हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शादी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शादियों में तभी मज़ा आता है जब नाच गाना होता है। सो जैसे ही ढोलाए रुद्रांश तो नाचने लग गया। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था ना कि बहुत तेज़ तूफान, बारिश एंड बहुत मतलब ऐसा मौसम हो गया था, एकदम ठंडा ठंडा जैसा। और यहाँ पे लिखी जा रही थी, लगुन पंडित जी आ गए थे, लगुन लिखी एंड उसके बाद फिर इस लगुन को दुल्हन के पास लेके जाते हैं, उनके हाथ लगवाते हैं और यहाँ पे उस लगुन में पैसे वगैरह जो रहता है वो सब रखते हैं। एंड इसके बाद फिर यहाँ से शादी की अब रस्में स्टार्ट हो जाएंगी। सो सबसे पहले लगुन लिखी जाती है और सबके हाथ लगवाए जाते हैं उसमें। कहाँ करा जा रहा है? बादल। लगुन लिखने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मटियाने की रस्म के लिए। और इस रस्म में खदान के पास जाते हैं डलिया लेके एंड डलिया में मिट्टी खोद के लेकर आते हैं। सो यहाँ पे बुआ जी मेरे को बताते जा रही हैं क्या करना कैसे करना, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें नहीं की और घर में मैं बड़ी हूँ और बड़ी होने के साथ साथ मैं भाभी हूँ, तो ये सारी रस्में भाभी करती हैं। सो यहाँ पर सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं एंड मैं करते जा रही हूँ। सो बहुत मतलब बहुत ख़राब वाला मौसम हो रखा था, क्योंकि देखो कैमरे में भी क्लियर समझ आ रहा है कि तूफान चल रहा है एंड बादल गरज रहे थे, हल्का सा बारिश हो रहा था, बहुत ठंडा मौसम हो रखा था। तो चलिए चलते हैं खदान के पास मिट्टी भर के लेकर आते हैं। ये वाली रस्म किस किस के यहाँ होती है मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए, इतनी तेज़ तूफान में हम लोग बिल्कुल ढोल वो लेके जा रहे हैं मिट्टी भरने के लिए एंड बुआ जी और गाना गाते जा रही थी और बच्चे भी साथ में जा रहे थे, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, उनको भी साथ में ही जाना था हमारे। उधर से उतर जाओ तो कोने में से गोबर पाते हैं। अरे बगरी बगरी चले जा बेटा, इधर ही खड़े रहो आप। अरे भाई कोई भी खोद दो, खोद नहीं चाहिए। जब खोदते नहीं तो फिर बुआ खोद देती है। जब यहाँ पानी आला जी जी है तो और का बोल दो क्या जी जी है और का बैठो मैं। वो तो देख लियो ना, जो अच्छी जगह है जब देखो अच्छी हो। क्या करना है कैसे मैं इसको साफ करो। हर पत्ता मीठा लाए होने होते दे लो बहन, इधर आ जाओ। तो बाबा जी ने कहा हां ये चढ़ाना हां तुम ई बगले बैठ के चलो जाओ इधर आओ हमारे पास हमारे पास आओ भाभी गा दो दवा तो नहीं है गा दो ये रे नहीं होते हैं। हां जल्दी जल्दी दे लो जल्दी किए तुम नहीं चढ़ा बहन भी चढ़ा भाई तुम हो बेटा ने नहीं होते थे तुम कहां होते यार चढ़वानी मक्काने हो तो डर दो ले चला गए नसेनी पाटू की यार हर दलाला ने हो तो हो ले तो पूरे के देवता ने खंगा दे बाकी गिरवा से भाई रब्बा की यार घुमानी तो हमने। अरे कट जा। बड़े की
कौन देखे मट खोदना गाँव में आए मट खोदना कौन देखे मट खोदना मथराटी के वृंदावन टीके मथराटी के वृंदावन टीके चालू है कौने टीके बरसाना आए मट मथुरा खो देवृंदावन खो दे मथुरा खो देवृंदा खो दे कौन खो दे बरसाना कौन खो दे बरसाना गाँव आए मट को नेक के तौर पे थोड़ी सी मिट्टी ले ली है सारी डलियाँ में, मतलब 5 या 7 डलियाँ लेके जाते हैं तो 5 डलियाँ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले ली। अब इस मिट्टी को हम घर पे लेके जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना? नीचे जाना है जब पानी गिर रहा है बेटा। नहीं अभी पल्लू में भी है मिट्टी, पल्लू की भतुर में धन है। अच्छा, इसमें चूड़ी भी है। हाँ। तो कहाँ डाली है? भतुर में धन हम लोगों ने एक रस्म कंप्लीट कर दी और हमारे यहाँ इसको मटियाना बोला जाता है। मिट्टी लेके आते हैं खदान से और उसको जहाँ पे हमारे यहाँ खाना बनता है भटिया में वहाँ पे इस मिट्टी को डाला जाता है एंड इसके बाद फिर सारे काम स्टार्ट होते हैं। सो पहली रस्म ये हो गई है और बाकी जो लगन वगैरह थी वो लिखने के बाद फिर इस रस्म को किया जाता है। तो बस ये वाला काम हो गया, अभी हम लोग चलते हैं और बाकी का देखते हैं। तेल चढ़ेगा तो वो वाला वो शेयर करेंगे आप।